नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो मैं करने वाला हूँ उसमें मैं आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बताऊंगा। ये मैंने रिसेंटली इंस्टॉल करवाया है और ये 10 इंच का है। तो यूजली क्या होता है, 9 इंच या 7 इंच की जो फैक्ट्री फिटेड या आप कह सकते हैं जो कार के साथ आता है वो 7 इंच या 9 इंच का आता है। बहुत कम मॉडल या कम कार्स में लगता है जो 10 इंच लग पाता है, वो होंडाज की मैक्सिमम कार्स में 10 इंच का जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम लग पाता है, क्योंकि उसकी डाइज जो है स्पेस यहाँ का बहुत अच्छा खासा होता है, बड़ा होता है आप कह सकते हैं। तो इसमें 10 इंच का लग सकता है और 10 इंच का ये जो म्यूजिक सिस्टम है, ये आप कह सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसमें बहुत कुछ इंक्लूड हो जाता है। इनफैक्ट आपकी कार की स्पीड से लेके और आप नेविगेशन या फिर आप कह सकते हैं डिफरेंट ऐप वाइज यूट्यूब हो गया या आप कह सकते हैं एंड्रॉयड का कोई भी चीज है वो सारा इसमें आ जाएगा। अभी पहले आपको स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ इसका। हम सेटिंग्स में जाएंगे सबसे पहले, ये एंड्रॉइड सेटिंग्स। अभी आप देखिए, आपको ये देख के पता चलेगा कि ये एंड्रॉइड में जो नॉर्मल जो हम फोन में यूज करते हैं या कोई एंड्रॉइड टैब में यूज करते हैं तो उसकी तरह से ही सारा कुछ रहता है इसमें। आप देखिए, नेटवर्क एंड इंटरनेट में है, एप्स है जो आप नॉर्मली ऐप प्ले स्टोर से या कहाँ डाउनलोड करते हैं या आउटसोर्स डाउनलोड करते हैं, तो आपके एप्स वगैरह जो है आपको जो नॉर्मली आपके फोन में जैसे आप इंस्टॉल करते हैं और यूज करते हैं, इसमें भी सिर्फ वैसे ही यूज कर पाएंगे। और डिस्प्ले में देखिए आप वॉलपेपर, फॉन्ट साइज और वीडियो आउटपुट। वीडियो आउटपुट ऐसा है कि पीछे जो जैक लगा है उसमें अगर आप कनेक्ट कर सकते हैं यूएसबी से तो आपका वीडियो आउटपुट फिर यूएसबी के थ्रू हो सकता है, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो स्टोरेज है वो मेरे को 16 GB रैम मिली है और 2 GB रोम है जो कि रीड ओनली मेमोरी, मतलब जो मैं ऐप्स चलाऊंगा उसके लिए 2 GB डेडिकेटेड है और 16 GB मैं कुछ एक्स्ट्रा जो रखूंगा ऐप्स हो गए या फिर कोई फाइल्स हो गई वो रख सकता हूँ इसमें। यूजर एंड अकाउंट्स में आपका जैसे कि व्हाट्सएप अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो व्हाट्सएप अकाउंट आएगा, गूगल का जो जीमेल या फिर आप गूगल का अकाउंट जो कि आप लिंकअप करेंगे जो आपका ऐप डाउनलोड होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। तो आप सिस्टम में अगर हम जाते हैं तो आप देखिए सिस्टम एंड्रॉयड 10 सपोर्ट करता है ये। तो अभी मैक्सिमम जो है एंड्रॉयड 9, 10 और 11 आते हैं म्यूजिक सिस्टम में। 11 जो है लेटेस्ट है, मतलब 2021 या 22 में आया है। 10 जो है अप्रोक्स आप बोल सकते हैं 1 ईयर्स हो गए हैं इसको, जो कि मेरे को 10 इंच में अपडेटेड 11 एंड्रॉयड नहीं मिल रहा था तो इसलिए मैंने एंड्रॉयड 10 वाला लगवाया है इसमें। और आप नॉर्मली आप देख सकते हैं जो एंड्रॉयड के सिस्टम्स होते हैं वो सारे सिस्टम इसी में हैं। ये मॉडल नंबर है F72LM। अब इस तरह से हम जैसे यूज करेंगे इसको, मैंने अभी क्या है इसका जो लुकआउट था या आप कह सकते हैं यूजर इंटरफेस जो कह सकते हैं उसको मैंने चेंज किया है। वो चेंज कैसे किया मैंने, वो मैंने इसमें नॉर्मली जो है जो हम यूज कर रहे हैं तो इसका जो इनबिल्ट था वो थोड़ा सा मेरे को कम समझ में आया, इसलिए मैंने आउटसोर्स जो लॉन्चर है इसको लॉन्चर कहते हैं, जो आपका नॉर्मल आप जो कह सकते हैं कि आपको कंप्लीट इसमें दिखेगा कि आपने क्या करना है, क्या एप्लीकेशन चलानी है या आपके एक्सेस में सारा कुछ आ जाएगा, तो वो लॉन्चर मैंने डाउनलोड किया है। वो लॉन्चर इस तरह से दिख रहा है। अदरवाइज अगर इसका जो इनबिल्ट था वो सिंपल वे में था और आपका जैसे एंड्रॉयड ऑटो होता है उस तरह से था। मैंने अभी एंड्रॉयड ऑटो इंस्टॉल नहीं किया इसमें। एंड्रॉयड ऑटो इंस्टॉल करने से क्या होगा, आपके कुछ लिमिटेड ऐप्स हो जाएंगे और बड़े आइकन हो जाएंगे तो आप सिर्फ वही चला सकते हैं। जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पस आप कार ड्राइव कर रहे हैं और सारा कुछ एक्सेस लेंगे तो वो रिस्की हो जाता है आपके लिए भी किसी और के लिए भी, तो इसलिए एंड्रॉयड ऑटो में या एप्पल कार प्ले में आपको लिमिटेड ऐप्स मिलते हैं। तो अभी जैसे मैंने इसको एक्सेस किया है, ये जैसे मैंने ट्रू कॉलर, यूट्यूब और गूगल प्ले स्टोर यहाँ पे डाल दिया है और इधर आप देख सकते हैं क्रोम है, मैप है, रेडियो है, जो नॉर्मल मिनिमम यूसेज जो होती है वो इस तरह से होती है। और बाकी एप्स तो बहुत सारे हैं, ये देखिए आप एप्स इतने सारे हैं, तो गैलरी से लेके आपका स्पॉटिफाई एंड एवरीथिंग, ये नेटफ्लिक्स, आप ये सारे इंस्टॉल्ड हैं ऐप इसमें। और जो कि मैं नॉर्मल जो यूसेज करूंगा वाइल ड्राइविंग, हो सकता है मुझे यूज करना पड़े तो मैं ये सारे ऐप यूज करूंगा जो आपको मैंने दिखाए अभी। ये नॉर्मली ऐप जो होते हैं यूज करते हैं हम, रेडियो हो गया, म्यूजिक प्लेयर हो गया, इस तरह से ही यूज करते हैं। और यहाँ पे आप वॉल्यूम लो और हाई भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये वॉल्यूम इंक्रीज करने का है,
ये यूजर इंटरफेस मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैंने डाउनलोड किया है। और भी इसके वो है, थीम्स हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें म्यूजिक चेंज कर सकते हैं, प्ले और रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि ये रिपीट का है और शफल का है ये स्विच। और मेरा जो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है, यहाँ पे आप देखिए बटन दिए गए हैं, ऑन ऑफ का बटन है, ये होम स्क्रीन का बटन है, और ये बैक बटन है, बैक बटन यहाँ पे भी ऊपर में है, और साथ ही साथ वॉल्यूम है, वॉल्यूम प्लस एंड वॉल्यूम माइनस, ये इतने सारे बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये सब टच स्क्रीन है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बटन एम्बेल्ड हो, सब पूरा कंप्लीट टच स्क्रीन में है ये। और यहाँ पे माइक इनबिल्ड है, एक माइक यहाँ है और एक माइक मेरे को यहाँ मिला है, जो कि मैं फोन रिसीव कर सकता हूँ इससे। अगर कोई कॉल रिसीव करना होगा तो मैं इससे रिसीव करके नॉर्मली जो बात करनी है, या आप चलाते वक्त अगर आपने बात करनी है तो वो इससे कर सकते हैं। और इसमें फीचर्स जो है आप देख सकते हैं, कनेक्टिविटी वाले फीचर्स जो है वो है ब्लूटूथ, वाईफाई। वाईफाई में क्या है, आप अपने फोन का अगर हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो वाईफाई कनेक्ट हो जाएगी और आपके सारे एप्लीकेशन, चाहे वो यूट्यूब हो या मैप हो, या सारा कुछ चलने लगेगा। वेयर एज इसमें जीपीएस इनबिल्ड है, तो मेरे को स्पीडोमीटर भी काम करेगा, अगर मैं कार आगे चलाता हूँ कितनी स्पीड में चलेगा, मैंने कोई कनेक्ट नहीं कर रखा है फोन, तो मेरे को उसके मतलब स्पीड भी दिखेगी कार की, और जैसे आप टाइमिंग और ये सारा कुछ है आपका अपडेटेड रहेगा, क्योंकि ये सिस्टम से कनेक्टेड है। मैप भी मेरे को दिखेगा, लेकिन मैप में अगर हम सर्च करेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। ये देखिए मैप, मैं गूगल मैप ओपन कर रहा हूँ, मैप ओपन हो गया है, मैं किस लोकेशन में हूँ वो भी दिख रहा है, लेकिन जो सर्च करूंगा तो वो नहीं आएगा। सर्च इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इंटरनेट नहीं है अभी फैसिलिटी, इसमें मैंने कनेक्ट नहीं किया। भाई ये देखिए मैप वाइज लोकेशन मेरा दिखा रहा है कि मैं किस एग्जैक्ट लोकेशन में हूँ यहाँ पे। तो ये फीचर्स जो है आप नॉर्मल में यूज कर सकते हैं, जो कि आपका जो यूजफुल फीचर्स होते हैं ये सारे। और कुछ कुछ ऐप है आपके यूजफुल रहते हैं, जैसे कि आप कनेक्टिविटी जो करना चाहते हैं, आपका ब्लूटूथ है चाहे वाईफाई है, इसको आप फोन से कनेक्ट करेंगे तो आपके जितने भी कॉल्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आप कॉल लेना चाहते हैं या कट रिसीव करना चाहते हैं, तो ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी होगी तो आपके फोन जितनी बार जो भी रिंग होगा तो आप यहाँ से रिसीव कर सकते हैं, और वाईफाई से आप इंटरनेट का एक्सेस ले सकते हैं। उसके बाद जो है कार की सेटिंग्स है, जो आप कार की सेटिंग नॉर्मल जो कर सकते हैं, जिसमें आपने ये देखिए कार सेटिंग्स में अगर मैं जाता हूँ तो ये सिस्टम सेटिंग्स है, जिसमें आपने इंजन की स्पीड और ये सारा कुछ असिस्टेंट है। अगर मेरे पास पार्किंग असिस्टेंट होता, या पार्किंग असिस्टेंस या सेंसर लगा होता, तो वो पार्किंग असिस्टेंट की वॉल्यूम या डिले टाइमिंग, टोन कैसी, वो सारा मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता था। अभी देखिए यहाँ पे अगर मैं ब्लोअर या एसी का करता हूँ, तो मैंने एसी अभी ऑफ है, वेंट ऐसे है, तो ये मैं एसी का कंट्रोल भी इसके थ्रू कर सकता हूँ। फैन की स्पीड अप डाउन, अगर मैं इसको एक्सेस लेता हूँ, ये देखिए अभी ऑफ है, अगर मैं इसको एक्सेस लेता हूँ और मेरे एसी से कनेक्टिविटी आती है तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो ये हो गए जो नॉर्मल सेटिंग्स जो होती है आपके, उस तरह से आप कर सकते हैं। और अभी आप देखिए वॉल्यूम की सेटिंग्स है इसमें, मतलब फीचर्स जिस हिसाब से हैं, आप एंड्रॉइड सेटिंग्स में अगर जाते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम, ये आपका रिंगटोन आ गया है, अगर कॉल आएगी तो कौन सा टोन बजेगा वो है, ये सिस्टम इनफो आ गया है। फ्रेंड्स बेसिक क्या है कि आपको मैक्सिमम जो इंफोटेनमेंट सिस्टम में आता है वो सारे फीचर्स इसमें दिख जाएंगे। अभी मैं आपको कार, आप और भी वीडियोस में देखेंगे, मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरे को स्पीडो, यहाँ पे स्पीडोमीटर डिजिटल में दिखाता है कौन सी स्पीड में मेरी कार है। और साथ ही साथ ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, मेरे स्टेयरिंग में जो माउंटेड होते हैं बटन्स, उसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। अभी जैसे मेरे स्टेयरिंग में जो है 3 बटन्स ही हैं, और जो अपग्रेडेड कार होती है उसमें और सारे फीचर्स होते हैं, जैसे मेरे सियाज में और भी फीचर्स हैं, कॉल डिस्कनेक्ट एंड कॉल रिसीव का है, वॉइस असिस्टेंट का है, तो वो सारे बटन्स भी इसके साथ मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। वो सेटिंग्स में जाके है, हम सेट कार सेटिंग्स में अगर जाते हैं तो आपका यहाँ पे अदर सेटिंग्स में
ये स्टेयरिंग लर्न जो है, स्टेयरिंग में क्या क्या फीचर्स आते हैं वो मैंने कनेक्ट किया हुआ है। मेरा जैसे वॉल्यूम प्लस एंड माइनस है, ये प्लस माइनस और चैनल का अप डाउन है, ये मैंने एडजस्ट किया हुआ है। चैनल अप डाउन मतलब कुछ भी, रेडियो अगर चल रहा होगा तो चैनल चेंज कर सकता हूँ, यूट्यूब चल रहा होगा तो चैनल चेंज मतलब यूट्यूब का वीडियो चेंज कर सकता हूँ, और साथ में मोड का जो ऑप्शन है, मोड मैंने सिलेक्ट किया है इसके ऑन ऑफ करने के लिए। अभी देखिए आप, सिस्टम को मैं ऑफ कर सकता हूँ, बटन प्रेस करके रखा मैंने, ऑफ हो गया। अगर 2 सेकंड से ज़्यादा प्रेस करता हूँ तो ऑफ हो जाएगा, और 2 सेकंड से ज़्यादा प्रेस करता हूँ तो ऑन हो जाएगा, और अगर मैं सिंगल प्रेस करता हूँ मोड को तो म्यूट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा म्यूट का ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए ये यहाँ म्यूट हो गया, वॉल्यूम बंद हो गई है। तो ये मैंने सेटिंग यहाँ से कर रखी है, जो कि कॉल रिसीव और डिस्कनेक्ट का मेरे पास फीचर्स नहीं है, जिसके कार में है वो भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जीपीएस का डिटेक्ट कर रहा है, या जीपीएस इनबिल्ड है, रिस्टार्ट नहीं करना है मुझे, ये जीपीएस इनबिल्ड है इसलिए मुझे दिखा रहा है जीपीएस का। और नेविगेशन के लिए मैं मैप यूज़ कर रहा हूँ, तो नॉर्मल जो मैप है वो नेविगेशन के लिए मैंने मैप गूगल मैप यूज़ कर रहा हूँ। दूसरा, चेंजेस करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा मैप मुझे बेस्ट लगा, या चेंजेस करूंगा अगर मैप के। अभी जैसे मैंने इंस्टॉल करवाया है इसको, तो रिसेंटली और भी जब अगर मैं ट्रैवल करूंगा तो साथ साथ देखूंगा कि क्या फीचर्स मेरे लिए ज़्यादा अच्छी है, तो वो भी इंक्लूड करूंगा वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। और पर्टिकुलरली डीप जो कि ऐप से रिलेटेड होगी वो वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने सारा इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बताया फ्रेंड्स। तो अब कंप्लीट ये इंस्टॉलेशन मेरा जो है, ये 20+ का इंस्टॉलेशन हुआ था, क्योंकि मैंने रिवर्स कैमरा भी इंस्टॉल करवाया, क्योंकि मेरे कार में रिवर्स कैमरा नहीं था। अभी आपको रिवर्स करके दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने रिवर्स गियर लगाया, ये आप कैमरा देख सकते हैं, पीछे का व्यू आ रहा है। तो ये एलईडी कैमरा है, रात में भी लाइट जलेगी तो पीछे आपको अंधेरे वाली जगह में भी आप आराम से कार निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल है कि 20+ का मेरे को ये पूरा सेटअप लगा था, इंस्टॉलेशन एंड एवरीथिंग लेके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, कमेंट में कुछ करना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं या इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर एंड ड्राइव सेफली।